राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे कुंडली के माध्यम से नव ग्रह में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको हम पाप ग्रह की संज्ञा भी देते हैं, और पाप ग्रह की संज्ञा जब ग्रह की आ जाती है और हमारे ऊपर उसका प्रकोप दिखने लगता है, चाहे वो हमारी कुंडली में शुभ बैठा हो या अशुभ बैठा हो, उसको हम लोग नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं जैसे कि वो ग्रह हमें परेशान करेगा। मान लीजिए ग्रह ले लिया शनि। अब शनि को हमने लिया, शनि की राशि पर ढैया भी चलती है, साढ़े साती भी चलती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न गूंज जाता है कि हमारी राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है तो ये हमें नुकसान देगी। अब हमारी जो मनोवृत्ति है वो नुकसान के प्रति बदल जाती है कि हमारा तो नुकसान होगा, साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह क्यों ना हो, शनि को छोड़कर भी कोई ग्रह हो या शनि ग्रह हो, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अपनी राशि को वो देखता है। अपनी राशि में अगर वो हमारी कुंडली में शुभ ग्रह या शुभ स्थान पर बैठा है, या अपने मित्र की राशि पर बैठा है, या कारक का स्वामी है, तो ऐसी अवस्था में अगर शनि है या लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, तो इस अवस्था में अगर शनि है, अब चाहे उसकी ढैया आपके पास हो या साढ़े साती आपकी राशि के ऊपर हो, उसका नीच की राशि पर कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर शनि नीच की राशि पर बैठा है तो वो आपको नुकसान देगा, वो उच्च की राशि पर है तो आपको लाभ देगा। अब साढ़े साती में व्यक्ति अपने जीवन को और भी अच्छा बना लेते हैं। शनि की साढ़े साती में व्यक्ति और ऊपर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि या तो लगन का स्वामी शनि हो सकता है, उच्च की राशि पर हो सकता है, इसके कारण पंचम भाव का स्वामी शनि हो या उच्च की राशि पर हो, कारक का स्वामी हो, मारक का स्वामी अगर शनि किसी की कुंडली में है, 6, 8, 12 इन घरों का स्वामी है, या शत्रु की राशि पर विराजमान है या नीच की राशि पर विराजमान है, और आपकी कुंडली में इस अवस्था में बैठा होने के बाद अगर साढ़े साती चलती है या ढैया चलती है, तो वो अवस्था आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी, नुकसान की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि शनि जिस स्थान पर बैठा होता है उतना फल देता है, और जिस जगह को देखता है, दृष्टि जहां जहां देता है वहां भी फल देता है। तो वो अब फल सुयोग का है या कुयोग का है, ये निर्भर करता है ग्रह की स्थिति पर कि वो कहां बैठा है, किसके साथ उसकी दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है, क्या ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, कौन सी समस्याएं आएंगी। शनि की साढ़े साती अगर मारक घर के स्वामी में आपकी चल रही है या नीच की राशि पर चल रहा है, तो वो आपको, विशेषकर मैं बता रहा हूं, अष्टम भाव का अगर स्वामी बनकर के बैठा है या नीच की राशि पर बैठा है, तो बार बार एक्सीडेंट कराएगा, और भी ऐसी परेशानियां, स्वास्थ्य को खराब करेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, बड़ी बीमारियों का संयोग भी आपके शरीर में लग सकता है। अब इसका हम कैसे देखें, तो इसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेनी चाहिए, और इसी के साथ साथ इसके छोटे छोटे उपाय आप घर में रहकर भी कर सकते हैं और अच्छे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भी आप उपाय करा सकते हैं कि शनि अगर आपका अच्छा है तो आपको उसका पूजन करना चाहिए, और शनि मारक का स्वामी है तो उसका दान करना चाहिए। अगर आप शनि का दान करेंगे, काली वस्तुएं दान करेंगे, तो शनि कमजोर अवस्था में आने के कारण आपका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आपको ना ढैया से डरने की जरूरत है, ना साढ़े साती से डरने की जरूरत है, क्योंकि राशियों के हिसाब से देखते हैं तो ढैया और साढ़े साती, ढैया 2.5 वर्ष के लिए होती है, साढ़े साती 7.5 वर्ष के लिए होती है। तो इनको अपने जीवन में इन सब समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और इस अवधि में आपको लाभ होगा या हानि होगी ये आपकी कुंडली दर्शाएगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।